देख रहे हैं ऑल अबाउट रॉयल एनफील्ड। तो दोस्तों इस चैनल में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो एक बुलेट ओनर के दिमाग में बातें चलती रहती हैं बाइक के रिगार्डिंग, कि ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी, या इसका कारण क्या है। तो कॉमन सी बातें हैं जो लोग अक्सर सोचते हैं मगर उनका सही ढंग से जवाब उनको मिल नहीं पाता। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवालों का सही जवाब दे सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कोल्ड स्टार्ट। मतलब नॉर्थ इंडिया में ठंड के मौसम में हम देख सकते हैं कि बुलेट को स्टार्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती, कोई भी हो, 500 हो, 350 हो। तो दोस्त देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है बुलेट 500। तो इसका प्रोसीजर जो हम फॉलो करेंगे अब वो मैं आपको आज बताऊंगा। आप देख सकते हैं ओडोमीटर की रीडिंग 3600 किलोमीटर के करीब चल चुका है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, बुलेट 500 में दो चीज़ें आती हैं स्टार्टिंग के लिए, सेल्फ स्टार्ट भी आती है और किक स्टार्ट भी आती है। तो क्या करना, हमें ठंड के मौसम में किक स्टार्ट से ही शुरू करना पड़ता है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जब बहुत टाइम से हमारा जो बुलेट है वो खड़ा रहता है, यानी कि ठंड के मौसम में, तो हमारा जो इंजन ऑयल है वो विस्कस हो जाता है। हमारी जो क्लच प्लेट्स हैं, इसमें जो क्लच आता है, जहाँ पे रहता है क्लच, जो क्लच आता है वो आता है मल्टी प्लेट वेट क्लच, जो कि सबमर्ज्ड होता है इंजन ऑयल में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। क्लच को दबाना है और किक को हमें रिलीज़ करना है इंजन से। तो क्या होता है, जब इंजन ऑयल विस्कस हो जाता है तो प्लेट्स आपस में फ्रिक्शन पैदा हो जाती है, तो हमें उसको रिलीज़ करना है। ऐसे करने में 5 या 7 बार ऐसा करेंगे और उसके बाद इंजन किल स्विच ऑन करना है और इग्निशन स्विच ऑन करना है और उसके बाद क्लच को छोड़ के हमें एक फुल किक देना है। तो देखिए पहली किक में हमारा जो इंजन बुलेट है वो स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्यों करना है हमें। एक तो होता है कि सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं करना, उसका भी कारण बता देता हूँ। सेल्फ स्टार्ट हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि एक तो हमारी बैटरी के ऊपर लोड आएगा और सेल्फ के ऊपर लोड आएगा। लोड आने का कारण ये है कि वो जो विस्कस हो चुका हमारा इंजन ऑयल है वो उसके मोशन को अपोज करेगा। तो ऐसा किक के साथ ऐसा करने से हमारा जो मोशन है वो अपोज नहीं होता। और दूसरी बात दोस्तों, स्टार्ट करने के बाद एकदम से एक्सेलरेट नहीं करना है, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा ऑयल सम्प है, आरएच कवर बोलते हैं इसको, इसके पीछे हमारा ऑयल सम्प है, ये ऑयल फिल्टर है और यहाँ पे हमारा एक ऑयल पंप होता है। तो ऑयल पंप का काम क्या होता है, टैपेट्स के रास्ते यहाँ पे जो रॉकर और ऊपर हमारे रॉकर लगे हुए हैं उन तक ऑयल सप्लाई को भेजना है इसने। तो जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो ऑयल पंप काम करना स्टार्ट करता है, तो उसको ऑयल ऊपर भेजने में लगभग 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई नॉइस ना आए और वियर एंड टीयर बिल्कुल कम हो, तो हमें 2 या 3 मिनट आइडल पे रन करना पड़ता है ताकि सम्प से हमारा जो ऑयल है वो टैपेट्स तक पहुंच जाए। तो दोस्तों बहुत जल्दी मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको इसका रिव्यू दूँगा बुलेट 500 के। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने रेड रूस्टर एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर रखा है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने लगा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। फीडबैक के लिए आप नीचे कमेंट्स कीजिए और एक लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और फ्यूचर के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।